आईसीसी से होकर के अपने हैचरी जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ हैं गोपाल जी ड्राइविंग सीट पर, मेरे छोटे भाई इधर, लक्की जी बैठे हैं और ये छोटू बाबू है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने हैचरी और ये हम लोग अभी नया जो रोड बना हुआ है फोर लेन आरा बक्सर पटना, उसी पर हैं हम लोग और इसी से होकर के अपने हैचरी जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ हैं गोपाल जी ड्राइविंग सीट पर, मेरे छोटे भाई इधर, लक्की जी बैठे हैं और ये छोटू बाबू है। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी और ये देखिए रोड का नजारा, ये रोड देखिए, फोर लेन रोड नया जो बना हुआ है, कितना अच्छा बना है और ये गाड़ियां भी इस पर चलने लगी है। ये बक्सर पटना जो नया फोर लेन बना है, आरा होते हुए गुजरा है, उसी से हम लोग जा रहे हैं। अब बहुत बढ़िया बना है और अभी निर्माणाधीन है, धीरे धीरे काम चल रहा है, लेकिन लगभग एक लेन आपको कोइलवर तक चालू है। तो उसी से हम लोग आरा शहर में रहते हैं चूँकि, तो उसी पर हम लोग इन किए हैं, तो उसी से होके जा रहे हैं। और ये आरा का इंडस्ट्रियल एरिया है, आरा से आगे बढ़िएगा 10 किलोमीटर पटना की तरफ तो ये आएगा गिधा में इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, मूल रूप से यहाँ एचपी का आपको बॉटलिंग प्लांट है और इंडेन का शुरू में ही मिल जाएगा, दोनों का बॉटलिंग प्लांट है, तो इससे ये फेमस है। लेकिन लगभग हर चीज़ की फैक्ट्री है इसमें, आपको पेंट का भी फैक्ट्री मिल जाएगा, पाइप का भी फैक्ट्री मिल जाएगा, प्लास्टिक का फैक्ट्री मिल जाएगा, राइस मिल है, तो रोज़गार का बढ़िया साधन है। इसका अपना पावर हाउस है जिससे ये इंडस्ट्रियल एरिया में ये जितनी इंडस्ट्रियां हैं यहाँ, तो उसमें बिजली सप्लाई होता है और अच्छा है, रोज़गार का बढ़िया साधन है, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला है, अच्छे खासे लोग यहाँ लाभान्वित हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एक जरिया हो गया है, बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ इंगेज रहती हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, तो अच्छा है। सड़क वगैरह बढ़िया है, बिजली की व्यवस्था है, आपको इसके बगल में ही हम लोग अपना इंडस्ट्री भी खोले हुए हैं, अपना इंडिविजुअल ज़मीन लेकर के, लेकिन ठीक है इसके बगल में ही है, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया ऑल ए सर्टेन ठीक है, कोई समस्या नहीं है और शांति है यहाँ, और जगह जैसा नहीं है। ये अब तालाब भी है, तो आरा का इकलौता ये इंडस्ट्रियल एरिया है और बढ़िया है। और देखिए हम लोग अपने सिस्टर के यहाँ आ चुके हैं, बीच में सिस्टर का गांव पड़ता है तो सोचे घूम लिया जाए, तो आइए उनसे मिलवाते हैं। देखिए मेरी सिस्टर है सबसे बड़ी बहन इंदु दीदी, और ये भगिना है अमरीश, और ये उनका आज उनके यहाँ कुछ फंक्शन था तो हम लोग सम्मिलित हो लिए आते आते। और ये देखिए गोपाल जी भी हैं, सारे लोग हम लोग हैं। ये रहती हैं कलकत्ता, लेकिन बीच में इनका अपना इधर आई हैं, फिर जाएंगी, तो हम लोग आ गए मिलने के लिए, सबसे बड़ी सिस्टर हैं। और देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, अमरीश जी हैं हमारे भगिना हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, अपना इनका बिजनेस है। और ये छोटे हैं, छोटे भगिना, ये कलकत्ता रहते हैं, ये बैंक में काम करते हैं, हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं बैठ कर के, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो सोचा गया कि मिलना मिलाना हो जाए। लक्की बाबू बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठ कर के हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, गेट टुगेदर हो गया आपस में, क्योंकि हम आराम भी कर रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम में चेंजिंग हो गया है कि अब हैचरी आज नहीं जाया जाएगा, इन्हीं के यहाँ सिस्टर के यहाँ बहुत देर हो गया, तो दूसरे दिन आपको ले चलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया आपको घुमाए, सिस्टर के यहाँ गए और ये आप निकल रहे हैं हम लोग। और ये देखिए कितना बढ़िया हरियाली है, तो सोचे कि ये भी आपको दिखा दिया जाए, रोड के दोनों तरफ
लोकल रोड है, आप बागीचा लौटते समय हमको अच्छा दिखाई दिया, थोड़ा सा आकर्षित किया, तो ये ग्रामीण रोड है और बड़ा सुंदर है, हरियाली है, तो हम सोचे कि आपको दिखा दिया जाए, आप बागीचा है आम का और आम का सीजन भी चल रहा है और सड़क भी बढ़िया है, रोड अब ग्रामीण सड़कें भी अच्छी हो गई हैं आजकल हमारे यहाँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।